नमस्कार दोस्तों, भारतीय फ्री डिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अशोक। थंबनेल देखकर आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि आज की वीडियो किस प्रकार से होने वाली है। जी हां दोस्तों, तीन नए चैनल्स लॉन्च होने जा रहे हैं। वो चैनल कौन कौन से हैं, पूरी जानकारी मिलेगी आप सभी को इस वीडियो में। दोस्तों आजकल एक नया चैनल कलर सिनेप्लेक्स बॉलीवुड चर्चा का विषय बना हुआ है। तो यह चैनल किस प्रकार से है, क्या यह हमें डीडी फ्रीडिश पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले जो तीनों नए चैनल लॉन्च हो रहे हैं उन चैनल्स के बारे में। दोस्तों उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं दिख रहा घंटे का निशान एक बार प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला चैनल है नारायणा टीवी। दोस्तों ये एक भक्ति का चैनल हमारे लिए रहने वाला है। यहाँ आप इसका लोगो देख सकते हैं इस प्रकार से एवं इसका एप्लीकेशन नंबर एवं क्लास नंबर भी आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों दूसरा चैनल है हिंदुस्तान टाकीज, इसका लोगो भी आप यहां पर देख सकते हैं इस प्रकार। इसका एप्लीकेशन नंबर भी आपके सामने। इस चैनल के प्रोप्राइटर है हिंदुस्तान टाकीज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे चैनल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल का नाम है ई टीवी बल भारत चैनल। तो ये चैनल 5 से 6 भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। इसके प्रोप्राइटर हैं एनआईडू टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड। इसका एप्लीकेशन और क्लास नंबर यहां पर आप देख ही सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इन चैनल्स को लॉन्च करने की एप्लीकेशन एमआईबी को भेजी गई है और जैसे ही एमआईबी आप कह सकते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मंजूरी मिलती है इन तीनों चैनल्स को लॉन्च कर दिया जाएगा। और दोस्तों जो प्रथम दृष्टया न्यूज निकल के आ रही है तीनों चैनल G730 आप कह सकते हैं कि Insat4B पर लॉन्च होंगे। अब बात करते हैं कलर सिनेप्लेक्स बॉलीवुड चैनल के बारे में। तो दोस्तों ये एक फेक न्यूज फैलाई जा रही है। कलर सिनेप्लेक्स बॉलीवुड नाम का कोई भी चैनल ना तो लॉन्च हो रहा है और ना ही होने जा रहा है। यहाँ तक कि बायकॉम 18 ने इस तरह के चैनल की लॉन्च होने की कोई भी अपडेट नहीं दी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।